साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, और ये मॉर्निंग सेशन है जिसमें हम देखेंगे आज 17 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को। वैसे घटनाक्रम जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है उसी को लेकर मैं प्रत्येक दिन सुबह के समय में ये करंट अफेयर का क्लास आप लोग के लिए लेकर आता हूं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से समाचार हैं, खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हमें ध्यान रखना है। पहला कि 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के सम्मान के लिए ये दिवस आयोजन हर साल 16 नवंबर को किया जाता है। ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इसलिए प्रेस आज के समय में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के संचालन में। तो प्रेस जहां से अखबारें निकलती हैं, पेपर छपता है, उसी के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, और उसी के सम्मान में ये 16 नवंबर को प्रत्येक दिन साल में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। आगे चलें तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार या समसामयिक घटनाक्रम को अपलोड करने या स्ट्रीमिंग करने वाले कंपनियों को 26% एफडीआई की सीमा को पालन करने का आदेश दिया गया। तो डिजिटल मीडिया आज के समय में सबसे बड़ा संचार का माध्यम है लोगों तक पहुंच बनाने का। और आज देख रहे होंगे कि घटनाक्रम, अलग अलग तरह के न्यूज, अलग अलग तरह के समसामयिक घटनाक्रमों को लेकर हर लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव आते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं। तो इस सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही है उनको विदेशी निवेश 26% तक निर्धारित किया गया है, और इतना ही विदेशी निवेश हो सकता है इस सेक्टर में किसी कंपनी को। तो ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर या डिजिटल माध्यम से समाचार देने वाले कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा निर्धारित कितनी की गई है, तो 26%। ध्यान रखना है। आगे चले तो मालाबार अभ्यास 2020 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार बड़े ताकतवर देश आपस में नेवी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चार देश जो क्वाड के सदस्य हैं उनके द्वारा अभ्यास चल रहा है, और इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है 17 नवंबर को। मतलब एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 17 से 20 नवंबर के बीच ये अभ्यास शुरू हुआ है, और ये उत्तरी अरब सागर में हो रहा है। पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ था, अब ये उत्तरी सागर में हो रहा है, दूसरा चरण है। और ये मालाबार अभ्यास खासकर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, चीन से दक्षिण चीन सागर की बात हो या लद्दाख में गलवान घाटी की बात हो, जहां भी विवाद चल रहा है उसको देखते हुए मालाबार अभ्यास एक बड़ा प्रैक्टिस सेशन माना जा रहा है, ताकि दुनिया को और चीन को ये दिखाया जा सके कि अगर किसी भी तरह की गलती हुई तो उस गलती की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी चीन को। तो इसके तौर पर मालाबार अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिसमें भारत की तरफ से अभी INS विक्रमादित्य भाग ले रहा है, जो बहुत ही ताकतवर युद्धपोत है, तो ध्यान देना है। आगे चलें तो पीएम मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ध्यान रखना है कि इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, अभिनव विकास पर चर्चा होगा, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीजें है ध्यान रखना है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स बहुत बड़ा व्यापारिक मंच है जिसमें कुल मिलाकर के दुनिया के 5 बड़े देश शामिल है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बड़े बड़े कंट्री हैं जो विश्व की इकोनॉमी को निर्धारित करते हैं। ध्यान रखना कि 12वां है जिसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है, लेकिन जो 13वां शिखर सम्मेलन होगा 2021 में उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। क्योंकि ध्यान देना है कि यहाँ पर अध्यक्षता जो होता है वो लेटर पर, जैसे रूस का आर होता है तो रूस के बाद इंडिया का नंबर है, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, और इसी प्रकार से ये अध्यक्षता साल दर साल बदलती रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि 2021 में जो शिखर सम्मेलन होगा उसका अध्यक्षता भारत करेगा। आगे चले तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जा सकता है आपसे बीपीएससी जैसे एग्जामों में, कि गिद्ध वल्चर एक पक्षी है के संरक्षण के लिए 2020 से 25 तक पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई गई।
और इसके अंतर्गत 5 राज्यों में 5 संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। पहले से भी 8 संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों के लिए बनाए गए हैं। तो गिद्ध वल्चर आज लुप्त होने के कगार पर है और वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होता है उसके कंजर्वेशन पर सरकार काम करती है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी के तौर पर APVC एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, जिसको गिद्ध कह रहे हैं, और गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो मरे हुए जीव जंतुओं के मांस को खाता है, लेकिन प्रदूषण की वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और इसी के बचाव के लिए और संवर्धन के लिए, इसकी संख्या में वृद्धि हो सके, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। और इसी के चलते 5 राज्यों में 5 नए संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनेंगे, जिसमें UP, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को जगह दिया गया है, ये ध्यान रखना है। और पहले से भी हमने कहा 8 संरक्षण केंद्र तथा प्रजनन केंद्र कार्य कर रहा है। आगे चलें तो बर्मा, जो हमारा पड़ोसी देश है, की स्टेट काउंसिलर, नाम याद रखना है आंग सांग सू की, बहुत चर्चित नाम है, बहुत पहले से अभी स्टेट काउंसिलर है। इनके नेतृत्व वाली पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ने म्यांमार के आम चुनाव में जीत हासिल किया। तो ये ध्यान रखना है, पार्टी का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने म्यांमार के आम चुनाव में जीत हासिल किया। 396 केंद्रीय संसदीय सीट जीता इनकी पार्टी ने, जो बहुमत से 74 अधिक है। तो एक बड़ा न्यूज है पड़ोसी देश में राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कि आंग सांग सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने जीत हासिल करके सरकार बनाने का कार्य किया। आगे चले तो खेल से एक बहुत बड़ा न्यूज है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, नाम जानते हैं, काफी चर्चित हैं, काफी बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस के। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ATP टूर 1 की ट्रॉफी 6 बार जीतकर पीट संप्रास के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। तो ATP टूर 1 का खिताब या ट्रॉफी बहुत मायने रखता है किसी भी खिलाड़ी के लिए और इससे उनकी प्रतिभा का पता चलता है। इस ट्रॉफी को 6 बार जीतने का पहले का रिकॉर्ड पीट संप्रास के नाम है, जो 93 से 98 के बीच दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे पीट संप्रास। उनके बाद ये 6 बार कारनामा किसी ने नहीं किया, लेकिन अभी वर्तमान के जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और ये भी 6 बार ATP टूर 1 ट्रॉफी जीतकर अब ये दोनों एक दूसरे के बराबरी पर है। तो दो ही व्यक्ति हैं टेनिस के क्षेत्र में जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, पीट संप्रास और एक नोवाक जोकोविच। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम, इसको देखें और याद रखें। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले विषय के साथ, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए जय हो मैया की। आज छठ पर्व का शुरुआत है तो इसके तौर पर ध्यान दें छठ के पर्व को, श्रद्धा और सम्मान के साथ सेलिब्रेट करें। और हमने कहा कि जो भी छठ में क्रियाएं की जाती है, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इस सोसाइटी का, हमारे परिवार का और हमारा खुद का एक बहुत बड़ा परिवर्तन और डेवलपमेंट विकास हो सकता है, क्योंकि ऐसा परिदृश्य, ऐसा जो माहौल होता है, फिर साल में कभी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये 2-3 दिन हम पर्व के रूप में तो मना लेते हैं और फिर पर्व बीतने के बाद हम अपने पुराने ढर्रे पर जीने लगते हैं। तो इससे बचें और इसी भाव से, इसी मनोदशा से पूरे साल जीने का प्रयास करें। और ये हमारे बिहार के एक अस्मिता और एक सम्मान का पहचान है छठ पर्व, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य की उपासना में डूबते हुए सूर्य की पहले होती है और उगते हुए सूर्य के बाद में होती है। और डूबते हुए सूर्य का इस तरह की आराधना करने वाला ये राज एक दुनिया में अलग तरह का पहचान देता है। तो ध्यान दें और इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। थैंक यू।